कि हम ईमानदार लोग हैं, हम पारदर्शिता से काम करते हैं, ये संस्थागत भ्रष्टाचार किया गया है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बताया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्कीम ही असंवैधानिक है उससे लिया गया पैसा भी पूरी तरीके से असंवैधानिक है, लीगल है। उस पैसे से आपने पता नहीं कितने चुनाव जीत लिए, कितने बीजेपी के कार्यालय बना लिए, कितना इवेंट मैनेजमेंट कर लिया, कितने दूसरे देशों में वाई वाई लूट ली। और मैं समझता हूं कि आज हमारा सर पूरी दुनिया में सर झुक गया है कि इस तरीके से स्कीम बना के, नीति बना के और एक लूट की गई है। क्योंकि जिन कंपनियों के केंद्रीय मंत्री लोकसभा में भाषण देते हैं कि इस कंपनी को हमने ऐसा ठेका दिया कि देश का 5,000 करोड़ रुपया बच गया, और पता लगा 1200 करोड़ तो इन्होंने चंदे के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रूप में ले लिया। अब जब कंपनियों के नाम सामने आएंगे, प्रतिदिन खुलासे होंगे, तो इनकी जमीन खिसकेगी और लोग ये कहेंगे कि मोदी की गारंटी है कि किसी को नहीं छोड़ूंगा, विपक्ष है उसको ये इन केन प्रकार झूठे मामलों में जेल में डालो, अगर कोई अलायंस बन रहा है तो उसको धमकाओ डराओ, और किसी को काम देना है तो पहले जमा कराओ या 7 दिन में जमा कराओ। क्या क्या स्कीमें चलाई हैं, आज देश का हर बुद्धिजीवी जो इन बातों को समझता है वो ये कह रहा है भाई ये तो बड़ा फ्रॉड है, बड़ा घोटाला है, ये तो चोरी और सीना चोरी वाली जो कहावत है वो यहां पर मोदी जी की सरकार के ऊपर पूरी तरीके से फिट बैठती है कि विपक्ष को धमकाओ, कंपनियों को धमकाओ, चहेतों को ठेके दो और धमका के पैसे लो, ठेके दे के पैसे लो। मैं समझता हूं कि राजनीति के अंदर कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो किसी से चंदा नहीं लेती है, लेकिन अगर वो सत्तारूढ़ पार्टी है और गिव एंड टेक करती है किसी काम के बदले या किसी जांच को प्रभावित करने के बदले या आपके अपराध को छुपाने के बदले अगर उसने पैसा लिया है, तो देश और दुनिया में उससे बड़ा बेईमान कोई हो नहीं सकता है। मैं समझता हूं कि इन्होंने जो जिस प्रकार से संगठित गिरोह के रूप में काम करते हुए देश की संपदा को लूटा है, महंगे दामों में ठेके दिए हैं, मैनेज करके ठेके दिए हैं, केस किए हैं, रेड डाली हैं और फिर उन केसों को दबाने के लिए पैसा लिया है, ये जो जिस प्रकार का कुकृत्य किया गया है, अपराध किया गया है, ये देश की जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। समय आ गया है जब इलेक्शन कल शायद इलेक्शन कमीशन घोषित कर देगा, और आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर कह दिया है कि आपने कहने के बावजूद भी सही काम नहीं किया है, क्यों नहीं आपको जेल डाल दिया जाए, आप ये सूचना भी दीजिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो है उसके नंबर भी आप दीजिए जिसे पता चल सके कि किस बॉन्ड से। एक और बात हुई है सर, ये बहुत बड़े देश के प्रधानमंत्री से हमने बार बार सुना है, ये सेल कंपनियों को खत्म कर देंगे, हम छापे इसलिए डाल रहे हैं कि भ्रष्टाचार देश से खत्म होना चाहिए। इन भाई साहब सेल कंपनियों के माध्यम से कितना पैसा इन्होंने लिया है, ये अब तथ्य उजागर धीरे धीरे हो रहे हैं। ये सेल कंपनियों का खेल, काम के बदले पैसे लेने का खेल,
डरा करके धमका करके संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के माध्यम से पैसा लेने का खेल, मैं समझता हूं कि ये पूरी दुनिया में किसी स्टेट में इस तरीके का नहीं हुआ होगा जो हमारे देश में हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कि उन्होंने इस तथ्य को उजागर किया है, इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त